व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बिल्कुल परफेक्ट होंगे। इट्स मी अंबर। आज आपने देख लिया होगा कि मैं आपके साथ पर्टिका शैम्पू के रिव्यू शेयर करूंगी और ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी। इंटरेस्टेड हो तो मेरी वीडियो को पूरा देखना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, मेरे चैनल को लाइक करना वीडियो को और शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, अब इसमें से मैं सबसे पहले जो रिव्यू करूँगी वो ब्लैक सीड का करूँगी, क्योंकि मैं ब्लैक सीड यूज़ कर रही हूँ। जो शैम्पू मैं यूज़ कर रही हूँ, मैंने कहा सबसे पहले उसका रिव्यू किया जाए। ये ब्लैक सीड इनका शैम्पू है, ये आपको लोकल मार्केट में इजीली अवेलेबल है, कॉस्मेटिक शॉप्स पर भी मिल जाएगा, मार्ट पर भी मिल जाएगा, हर जगह अवेलेबल है। और अगर ना मिले तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसका मैंशन कर दूँगी कि आप कहाँ से ले सकते हो। ओके, ये ब्लैक सीड है और इसकी प्राइस है तकरीबन, ये 400 ml का है और इसकी जो प्राइस है 415 rupees इसके प्राइस है, और आप लोग की रेंज में भी है। तो हैं इसकी पैकेजिंग पे कि इसकी पैकेजिंग जो बहुत प्यारी सी है, लीव शेप में है कि बॉटल में है, और इसमें फ्लिक कैप है। पर इन्होंने मेंशन किया है कि ये बालों को जो है स्ट्रेटिंग एंड शाइनी बनाता है। पे लिखा है इन्होंने स्ट्रॉन्ग एंड शाइनी हेयर का फॉर वीक एंड डल हेयर के लिए है, और ये 400 ml की बॉटल है और आपको 1500 rupees में मिलेगा। अब यहाँ बैक पे इन्होंने ये देखिए यहाँ मेंशन किया हुआ है कि ये बालों को आपको नरिश देगा, रिवाइटलाइज करेगा, स्ट्रेटन करेगा। फिर यहाँ नीचे इनके इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं, फिर एक्सपायरी डेट मेंशन की गई है, फिर यहाँ प्राइस मेंशन किए हैं, फिर इतना कितना ml का है ये इसका मेंशन किया है। मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करके दिखाती हूँ। इसको ओपन करने के बाद ये मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए ये प्रोडक्ट जो है लाइट ग्रे कलर का है और इसकी कंसिस्टेंसी जो है आम शैम्पू की तरह है, कोई अलग नहीं है। जैसे आम शैम्पू सारे होते हैं उन्हीं की तरह की है। वर्टिका के प्रोडक्ट की तरह इतनी स्ट्रांग नहीं है, माइल्ड से इसके सॉफ्ट और माइल्ड से इसके स्मेल है। को यूज़ करने के बाद मेरे बाल बहुत ज़्यादा स्मूद हो गए थे, सिल्की शाइनी बाउंसी हो गए थे, जैसे लग रहा था मेरे बालों में अभी जैसे प्रोटीन ट्रीटमेंट हुआ है इस तरीके के मेरे बाल हो गए। ये बहुत अच्छी लगी कि इससे बाल मेरे जो हैं डिटेंगली हो जाते हैं, मैनेजेबल हो जाते हैं, काम करने में ईजी हो जाता है, क्योंकि मेरे बाल कर्ली हैं इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं, इससे मेरे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। कर्ली बालों में जब काम करो तो कितनी ब्रेकेज होती है और है ना, बाल कितना टूटता है, ब्रेक होना शुरू हो जाता है, लेकिन इससे मेरे बाल कम ब्रेक होते हैं, उससे थोड़ा ब्रेकेज रुक गई है और स्प्लिट एंड्स भी काफ़ी हद तक कम हो गए मेरे मेरे बालों में। तो ये बहुत ज़्यादा सूट करा है, मुझे बहुत इसका रिजल्ट अच्छा लगा है, इसलिए मैंने कहा आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूं। मेरे पास और भी शैम्पू है, मैंने आलमंड का भी यूज़ किया है, वाटिका वाला आलमंड और हनी वाला, इसका भी बहुत अच्छा रिव्यू है, मैं आपको बताती हूँ। बालों को शाइन देता है तो 100% तो बालों को शाइन नहीं देता, 50% शाइन देता है, क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी जो है फ्रेजी हैं तो वो ड्राई होते हैं, इसलिए ये 100% नहीं देता, 50% ही मेरे बालों को शाइन देता है। सेकंड ये है कि इसमें लिखा है कि ये बालों को स्ट्रॉन्ग करता है, तो हाँ ये इसने मेरे बालों को स्ट्रॉन्ग कर दिया, बालों को ब्रेक होने से रोकता है, बालों को स्ट्रॉन्ग करता है, और तकरीबन 70% जो है बालों को हेयरफॉल रोक देता है, मेरे बालों को हेयरफॉल रुक गया है, और स्प्लिट एंड्स भी ख़त्म करता है आपके बालों को। थर्ड जो क्लेम है वो है कह रहा है कि ये वीक एंड डल हेयर के लिए, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है कि ये बालों को जो है स्ट्रेथिन है, और ये इसके अंदर ब्लैक सीड जो है, हाँ ब्लैक सीड आपको पता है हमारे बालों के लिए कितने फ़ायदेमंद है, हमारे बालों को कितना अच्छा करता है, बहुत अच्छा है। जिनके बाल शाइनी नहीं है, डल हैं, बिल्कुल रफ से हैं, वो यूज़ करेंगे तो उनके बालों के ऊपर ये बहुत अच्छा वर्क करेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। सर मैं यूज़ कर रही हूँ तो मैं ब्लैक सीड ही यूज़ कर रही हूँ, मुझे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा लगा। इससे पहले मुझे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा लगा था ऑलमेंट हनी वाला मॉइस्चर ट्रीटमेंट जो है इनका शैम्पू, मुझे इसका भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा लगा था। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, वही आपको पता है कि लीव शेप में इसकी बॉटल है, प्लास्टिक बॉटल है, ऑरेंज कलर का कैप है, ग्रीन कलर की बॉटल है, बहुत अच्छा इसका कॉम्बिनेशन है, और ये 400 ml के आपको बॉटल है और 415 rupees में अवेलेबल है। और इसके बारे में बताया, इनके मेंशन किया गया कि ये शैम्पू इसमें जो ऐड किया गया है ये मैनेजेबल करता है बालों को, ड्राई फ्रेजी और कर्ली हेयर जो होते हैं उनको।
मेंशन किया गया है, मेंशन किया गया है कि ये ड्राई फ्रीजी बाल जो हैं कर्ली जो है ना इनको इन बालों को मैनेज करता है। किया गया है कि वर्टिका इंसेंटिव मॉइस्चराइजिंग ट्रीटमेंट है ये। इसके आगे मेंशन किया है कि ये बालों को हाइड्रेट करता है, स्मूथ करता है, मैनेजेबल करता है आपके बालों को। इनका जो पर्सनली जो मुझे पसंद आए हैं उनके ब्लैक सीड मेरा बहुत अच्छा मेरे बालों को किया था, और उससे पहले मैं ऑलमेंट यूज़ कर रही थी। इन दो के एक्सपीरियंस मेरे साथ बहुत अच्छा रहा है, मुझे मेरे बालों को इन्होंने बहुत अच्छा स्मूथ कर दिया है, क्योंकि मेरे कर्ली और वेवी हेयर थे इसलिए मेरे बालों को बम फटे बाल थे उनको बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया इन्होंने। ठीक है, इन्होंने मेरे बालों को स्मूथ सिल्की और शाइनी कर दिया है। आपको इसका टेक्सचर नहीं दिखाया था, मैंने इसको खोला तो अभी ये गिरना शुरू हो गया। ये देखिए लाइट सा ऑरेंज से कलर का इसका टेक्सचर, ये देखिए इस तरह का है। मैं लेके आई थी रीठा और सिका का, एक है वर्टिका का सिल्की शाइन, और ये क्लेम करता है कि ये बालों को सॉफ्ट करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, डबल आपके बालों को मॉइस्चराइज करता है, लेकिन मुझे इसका रिजल्ट कोई अच्छा नहीं लगा था। मैंने इसको एक से दो दफ़ा यूज़ किया था, उसके बाद मैंने इसको साइड पर रख दिया। मैं एकदम साइड पर और ज़्यादा बेहतर है इसके, इससे मुझे हेयर फॉल होना शुरू हो गया था, मुझे इसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। और ये लाइट से गोल्डन से कलर का, ये भी क्या कहा जाएगा इसको, लाइट कैमल कलर, गोल्डन कलर जो भी है इस कलर का है, और ब्राउन कलर की लीफ की बॉटल में ही है, लीफ शे वाली बॉटल्स में ही सेम वैसी है। ओके, इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी ऑर्गन का, वर्टिका का ऑर्गन मरगन एंटी ब्रेकेज शैम्पू है। ये मॉइस्चर करता है, सॉफ्ट करता है, ड्राई करता है, अनमैनेजेबल हेयर जो होते हैं उनको ट्रीट करता है, और बैक पेस के लिखा हुआ है क्या है, ड्राई एंड मैनेजेबल हेयर है जो है। वाटिका डीपली नरिश करता है बालों को करता है वो सॉफ्ट करता है, सिल्की करता है, हेयर करता है। और ये कॉपर कलर की बॉटल में है, देखिए कॉपर कलर है इसका बॉटल का, बहुत अच्छा कलर है, और वही लीफ शेप का है, और वही 400 ml की आपको बॉटल मिलेगी, और 415 रुपये की आपको मिल जाएगी। ओके, मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये निकला इसका टेक्सचर, फोन से कलर का मे बी, और इसकी स्मेल जो है जो कहते हैं बहुत माइल्ड सी है, स्ट्रांग नहीं है इतनी। सब कहते हैं इसके ऑयल्स की तरह ही इसके फ्रेग्रेंस भी बहुत ज़्यादा ना वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन नहीं, मुझे तो माइल्ड ही लग रही है। ये मैंने अभी यूज़ नहीं किया है, अनयूज़ ही है। आपको रिव्यू आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, अच्छा लगे तब भी और बुरा लगे तब भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक करने में कंजूसी नहीं करिएगा, और है ना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर दूँगी, आप लोग प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।